नमस्कार। सो एक क्विक अपडेट है, केरल राज्य ने फिर से अपना रजिस्ट्रेशन खोल दिए, पक्का आखिरी बार। कल खुल चुका है, 23 तारीख तक खुला हुआ है, हम 22 तारीख पकड़ के चलते हैं, 18 तारीख है। फॉर्म भरते समय बहुत सिंपल फॉर्म है, सिर्फ एक क्वेश्चन हमेशा आता होता है कि आपकी नेटिविटी क्या है। तो केरल के बाहर के लोगों की NK1 या NK2 होती है, मोस्टली जो भी वीडियो सुन रहे हैं उनकी NK2 होगी, NK1 वही होता है जिसे केरला से कोई संबंध होता है। फिर भी प्रॉस्पेक्टस में आप नेटिविटी करके ढूंढोगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसी चैनल पे केरल MBBS के नाम से ढूंढोगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ मैंने नेटिविटी एक्सप्लेन कर रखा है। सिर्फ 500 रुपये का फॉर्म है, सिर्फ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होते हैं JPG में, जो 100 KB से कम का साइज़ होना चाहिए, और फिर 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड होगा, और एक ना ये लोग वही जो NK2 वाले भी हैं उनसे पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अपलोड कराते हैं, जो प्रॉस्पेक्टस में 232 नंबर पेज है, 232 ही है, एक बार चेक कर लेना, नहीं तो ढूंढ लेना प्रॉस्पेक्टस में, और वो आपके स्कूल की प्रिंसिपल बनवाएगी। तो वो बनवा लीजिए, कल परसों वर्किंग डे है, बनवा लीजिए, अपलोड कीजिए। बहुत सिंपल फॉर्म है, आप खुद भी भर सकते हैं। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की मार्कशीट्स के हिसाब से हमको नहीं जाना है। एक्सपेक्टेशन की जो बात है, अगर आपको प्लानिंग करनी है, आपको सब कुछ करना है, तो हमको ये देखना है कि आपकी रैंक कितनी है, जैसा कि मैंने आपको अभी दूसरे वीडियो में बताया, और उसके हिसाब से हम जजमेंट करेंगे कि हमें कहाँ तक मिलने की उम्मीद है। ठीक है, मैं फिर भी आप एक बार एक मोटा मोटी बताता हूँ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और क्यों हुआ था। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ ना कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तो कुछ कॉलेजेस थे जिसमें मॉपअप में कट ऑफ गिर गई थी, PK दास हो गया था और 500 के नीचे आ गई थी, राइट। देखिए राउंड वन तो बिल्कुल 550 के ऊपर था, जो सबसे नीचे वाला कॉलेज था, लेकिन राउंड टू तक आते आते, और जो फेमस है जुबली और आमला, वो तो 600 के आसपास थे, लेकिन अगर मैं रैंक की बात करूँ तो 20,000 के आसपास थे। तो इस साल की बात करें तो मॉपअप रैंक में अगर आपकी 1,00,000 रैंक थी तो आपको PK दास मिल गया था लास्ट ईयर, और 1,24,000 रुपये आपको अल अज़हर या माउंट ज़ियोन मिल गए थे, मतलब केरला के आपको कुछ कॉलेज मिल गए थे। और हम सभी जानते हैं केरला हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर फ़ीस सस्ती होती है, राइट, मतलब अदर देन जुबली मिशन एंड वो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी जो फ़ीस है वहाँ पर वो 8,00,000 रुपये पर ईयर थी, मेजोरिटी जगह पर फ़ीस 7,00,000 रुपये पर ईयर थी। ठीक है, तो रफली स्पीकिंग 1,25,00,000 रैंक वाले तक बच्चों को कर्नाटका केरला में चांस हैं। तो इस साल की मैं बात बताऊं तो 500 नंबर से ऊपर वालों को अप्लाई कर देना चाहिए ये। हाँ, अब लोग कहेंगे सर लास्ट ईयर तो 475 में मिल गया था, तो मिलने को मैंने वही बोला, खासकर केरला में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जाता है, तो आपके 400 भी हैं और मॉपअप राउंड में वहाँ पहुँच सकते हो तो आपको मिल जाता है। मैंने एक वीडियो डाला था 15 दिन पहले कि कैसे मॉपअप राउंड में लॉटरी लग जाती है, जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन हैज़ बिकम वेरी स्मॉल, सब बच्चे सीट ले चुके हैं, तो जो पहुँच जाता है ऑफलाइन राउंड में उसको मिल जाती है। बट आप समझे कि लास्ट ईयर जो 475 नंबर पे केरला में सीट मिली थी, वो बेसिकली अगर रैंक की बात करो जो लोवेस्ट सीट बल्कि माउंट ज़ायन में या अल अज़हर में 443 पे मिल गई थी, बट वो रैंक 1,33,000 थी। इस बार 1,33,000 500 नंबर पे ख़त्म हो गया है, तो आपको भाई ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, केरला का फॉर्म भर लीजिए। और केरला का फॉर्म अलग से आ गया, ये भी साबित करता है कि कोई कॉमन काउंसलिंग NMC की नहीं होने वाली। बाय बाय, टेक केयर। हमसे संपर्क करना चाहते हैं 9643362320। मैं बार बार कहता हूँ, कभी मुझे गुस्से ही बोलना पड़ता है, और मैं ना बिल्कुल अब ताना देके बोल रहा हूँ, मेरे को फ़ोन आते हैं करोड़ 1,25,000,000 की फ़ीस तैयार बैठे हैं भरने के लिए, बट हमारे काउंसलर के 50-75,000 रुपये देने में या पहले 5,000 रुपये देने में 50 बार सोचते हो। तो मैं ऐसे लोगों को क्या बोलूँ, मतलब गुस्सा आ जाता है मुझे। तो आज ही सुबह सुबह किसी को डांटा है, 4 बार मुझसे छोटा छोटा फ़ोन पे बात कर चुके, यही कह के सर बस ये बात बता दीजिए फिर मैं आपकी फ़ीस भेज रहा हूँ, ये बात बता दीजिए मैं आपकी फ़ीस भेज रहा हूँ। एक तरफ आप 1,00,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये की सीट देने को तैयार हैं, और एक तरफ एक नॉलेजेबल बंदे को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये देने को तैयार नहीं है। मुझे आप लोगों की मैंटेलिटी समझ में नहीं आती। भगवान करे आपको सद्बुद्धि दे जो भी ये वीडियो सुन रहा है, और जो सोचता है कि मैं मुफ्त में काउंसलर से अपना काम करा लूँ, ये विद्या आपकी किसी काम नहीं आएगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।